जय जिनेन, मैं नीता जैन अपना किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सर्दियों में आने वाले हरे चने की बर्फी बनाने जा रहे हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम हरे चने ले लिए हैं, ये वही जो सर्दियों में आते हैं। 200 ग्राम पीसी हुई शक्कर ले लिए, 100 ग्राम घी ले लिया मैंने, ड्राई फ्रूट्स ले लिए थोड़े से और 200 ग्राम मावा ले लिया है। सबसे पहले हमें ये जो हरे चने हैं उसे मिक्सी के जार में डाल देना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको अच्छा सा पीस लेना है। ऐसा फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी बचा है, बाकी सारा डाल दिया है ताकि जो घी बचा है वो हमें ज़रूरत लगेगी तो हम फिर से उसमें डालेंगे। और अब इसमें जो पेस्ट रेडी किया था वो भी डाल देंगे चनों वाला। ये देखिए इसे अब हम हिलाते रहेंगे। इस घी और इस पेस्ट को मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमें इस तरह से पूरा मिक्स कर लिया है और अब हमें इसे चलाते रहना है। आप देखेंगे इसे चलाते चलाते हम कलर चेंज हो जाएगा हमारी मिठाई का। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे। ये देखिए किस तरह से हमारे मिठाई का कलर चेंज हो गया है। अब हमें यहाँ इसी तरह से चलाते रहना है, इसकी अच्छे से सिकाई करनी है। इसे सेकने में हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। यहाँ हमारे जो चनों का पेस्ट अच्छा सीख गया है। अब इसमें हम मावा डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर चलाते हुए इसकी भी अच्छे से सिकाई करेंगे। ये देखिए इसकी भी अच्छे से सिकाई करनी है हमें। इस तरीके से इसको चलाते रहना है। इस मिठाई को सेकने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी पर जब बन के रेडी होगी ना तो बहुत टेस्टी लगेगी। इस स्टेज तक हमें इस मिठाई को सेकना है। ये आप देख रहे हैं ना कैसे ये बिखर बिखर के आने लगी है। बस इसे थोड़ी सी देर हमें और सेकेंगे। ये देखिए आपको पास से दिखा देती हूँ, इस तरीके से हमें इसको सिकाई करनी है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पर जो हमने शक्कर पाउडर ली थी वो डाल देंगे इसमें। शक्कर को अच्छे मिक्सी में पीस कर ही फिर इसमें डालेंगे। ये देखिए अब इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। शक्कर को अच्छे से स्पैचुला से दबा दबा के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिठाई को आप घर पर जरूर ट्राई करना। इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनेगी आपकी। अब इस मिठाई में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाए। उन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल दिया मैंने, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो इसे आप डालें ना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिठाई जमाने के लिए एक बॉक्स में मैंने घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये देखिए हमारी मिठाई ने सारा घी रिलीज कर दिया है। अब हम इसे मिठाई वाले बॉक्स में इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से दबा दबा के इसे हम जमा देंगे। ये देखिए पूरी मिठाई हमने हमारा देखिए कैसे घी को रिलीज किया है। देखिए सारा घी बाहर आ गया है। अब यहाँ थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, इसे गार्निश कर देंगे इस तरह से। और सारे ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा प्रेस करके हम इसके अंदर दबा देंगे और इसे जमने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए कैसे मिठाई हमारी जम गई है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में हमारी मिठाई जम के रेडी हो जाती है। ये देखिए कैसे बॉक्स से बाहर आई है, कितना प्यारा कलर आया है। और अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इतने कितने प्यारे पीसेस हुए हैं। देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा पीस हमारा बना है। ये देखिए इतनी सॉफ्ट नरम मुलायम हमारी मिठाई बनी है। अपनी मिठाई अब सर्व करने को तैयार है।